पारस मामरे जो अभी नए नए फील्डिंग कोच बने हैं टीम इंडिया के उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है क्योंकि मुंबई में तीन तारीख को दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और ये मैच टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच तो आपको पता है कानपुर टेस्ट हुआ था ड्रॉ हो गया था आखिरी दिन बहुत रोमांचक मुकाबला रहा और रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बहुत शानदार तरीके से खेल दिखाया और आखिरी दिन आखिरी सेशन में उन्होंने एक विकेट ना खो के मैच को ड्रॉ करा लिया तो चलिए एक पारस मामे ने पारस मामरे जो फील्डिंग सॉरी जो बॉलिंग कोच है हमारे उन्होंने क्या कहा मुंबई की तैयारी को लेके और जो कानपुर टेस्ट में जो भी चीज रही उन्होंने सबसे पहले शेर शयर और को कहा के बारे में बताया कि मुंबई टेस्ट में जो प्लेइंग लेवल होगी उसका फ़ैसला विराट कोहली करेंगे देखना होगा कि शेर शैयर को रखा जाता है टीम में मुझे नहीं लगता है कि उनको हटाया जाएगा क्योंकि विराट कोहली की एंट्री हो रही है तो विराट कोहली आएंगे तो कोशिश करेंगे कि शेर शैयर टीम में रहें प्लेइंग इलेवन का वो उनका वो उनको जरूर हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे इसके अलावा उन्होंने मुंबई की पिच के बारे में भी बात की पारस महमे साहब ने उन्होंने बोला कि मुंबई की पिच कानपुर की पिच से अलग होगी कानपुर की पिच ने जिस तरह से पाँच दिन मदद की गेंदबाजों की और जो उस पर रन भी बने लेकिन मुंबई की पिच एकदम डिफरेंट होगी वानखेड़े की पिच होगी एकदम नई तरीके से बनाई गई है न्यूजीलैंड शायद उस पिच से बिल्कुल वाकिफ ना हो क्योंकि वानखेड़े में दोनों टीमें दो बार भिड़ चुकी हैं एक बार न्यूजीलैंड जीत चुका है वहाँ पे और एक बार भारत को सफलता मिली है दो मैच दो टेस्ट मैच दोनों लोग खेल चुके हैं वहाँ पे इसके अलावा पारस मामले ने पिच के बारे में ये भी बताया कि पिच पे वहाँ पे घास वास देखने को मिलेगी जिसका फ़ायदा भारतीय टीम उठा सकती है तो पिच का मिजाज के बारे में भी उन्होंने बताया वहीं उन्होंने जो अगला पॉइंट खड़ा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें उन्होंने बताया कि बचाव किया उन्होंने टीम इंडिया का उन्होंने बोला कि उन्नीस विकेट टीम इंडिया ने लिए थे कानपुर टेस्ट में तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है गेंदबाजों का लेकिन पारस मामे साहब जीत तो नहीं मिली ना वहाँ पे जीत तो आ, 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 जीत तो जब होती जब आप आखिरी विकेट लेते जब आप न्यूजीलैंड को हराते तब ये 19 विकेट मायने रखते हैं उस वक्त जो है आ, लेकिन आप एक विकेट ना ले पाए न्यूजीलैंड का ये कहीं ना कहीं टीस है दर्शकों के और फैंस के दिलों में कि कानपुर टेस्ट आपने जो हाथ आया था वो बिल्कुल उनको ड्रॉ पे रख दिया गेंदबाजों को बचाव किया उन्होंने इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो अंडर 19 से जानते हैं खिलाड़ियों के बारे में उनकी ट्रेनिंग की है राहुल दवड़ के साथ भी वो जुड़े रहे हैं अंडर 19 के जब वो कोच थे तो उन उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया कि अंडर 19 के वक्त से वो जुड़े हुए हैं बी की चीज़ों में और बी के जो साथ में जो अधिकारी हैं जो खिलाड़ी हैं इनके साथ वो जुड़े रहे हैं इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है उनको बेहद अच्छे तरीके से पता है उनको जानकारी है कि किस खिलाड़ी की क्या एबिलिटी है किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है बैटिंग किसको कमज़ोर है किसकी बैटिंग को इम्प्रूवमेंट देना है इसके बारे में भी पारस मामले साहब ने चर्चा की इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो लास्ट विकेट जो कानपुर में है उसके पीछे ना गिरने का जो उन्होंने कारण बताया कि उस वक्त पिच बहुत ईजी हो गई थी और विकेट लेना बहुत मुश्किल हो गया था आपको बता दूं कि 9 ओवर तक टीम इंडिया संघर्ष करती रही और वो आखिरी विकेट कानपुर में ले नहीं पाई और बाउंस भी नहीं मिल रहा था उन्होंने ये भी बताया कि बाउंस भी नहीं मिल रहा था कानपुर की पिच पे ईडन ग्रीन पार्क की पिच पे बाउंस भी नहीं मिल रहा था लेकिन फिर भी इन्होंने ये कहा कि खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और उस अच्छे खेल की बदौलत वो खुश हैं कि मैच ड्रॉ हो गया वो उनको खुशी इस चीज़ की नहीं है कि मैच है है कि मैच जो है हम जीत जाते हम आखिरी वक्त में जीत जाते लेकिन वो ड्रॉ से भी बहुत खुश हैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर